नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर में, जहां आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा स्टॉक जो ब्लू चिप है, दिग्गज कंपनी है, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से आती है और हाल फिलहाल सबका ध्यान उसने अपनी तरफ आकर्षित किया है। ये वो शेयर है जो मैं आपको 60 रुपए से देता आ रहा हूँ। 60 रुपीज का जो प्राइस था तब मैंने आपके इसके टारगेट दिए थे 250 रुपीज के, उसके बाद हमने इसको वापस 160 के आसपास पकड़ा और 500 रुपए के आसपास तक हमने इसको बेचा। उसके बाद ये स्टॉक 400 रुपीज के लेवल में ट्रेड कर रहा है, 420-430 के आसपास में फंसा हुआ है। ये कंपनी क्या है, क्यों करती है, इसका खुलासा बहुत जल्दी करने वाले, बट इसके बारे में कुछ हिंट देना चाहूंगा ताकि मैं देखना चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में जाके आप लिखिएगा कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ेगा, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ये कहता है कि जिस वीडियो में सबसे ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स होते हैं वही वीडियो लोगों को पसंद आ रही है। तो आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं जैसे आपको मैं मोटिवेट करता हूं, प्लीज लाइक प्रेस करके ही आगे बढ़े। दोस्तों जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वहां पे इंडस्ट्री की ग्रोथ 300% के आसपास की है, वहीं इस कंपनी ने 500% की ग्रोथ की है, सेल्स 5 टाइम्स। जहां इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 3000 के आसपास में यूनिट्स के सेल किया था, वहीं इस साल इस कंपनी ने 15000 से ज्यादा सेल कर दिए। नंबर 2 रैंक करने वाली कंपनी ने सिर्फ 2000 यूनिट्स बेची है, नंबर 3 ने 156, नंबर 4 ने सिर्फ 120, और देश की दिग्गज कंपनी जिसके पास मार्केट शेयर 41% का ऑलरेडी है, उसने सिर्फ 0 सेल्स की है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी ने अर्ली मूव एडवांटेज ले लिया है और एक गैप इतना बड़ा बना दिया है जिसको शायद फिल करना मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं है पर मुश्किल जरूर होने वाला है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की, हम बात कर रहे हैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की, और आपने अभी तक इसको गेस कर लिया होगा, यस वी आर टॉकिंग अबाउट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स वाज गिवन बाय मी एट 60 रुपीज व्हेन आई वाज टेलिंग यस टाटा मोटर्स इज द फ्यूचर, टाटा पावर इज द फ्यूचर, सो दीस टू कंपनीज हैव रियली आउट परफॉर्म अदर्स। तो मैं बात कर रहा था जहां 15000 सेल्स टाटा मोटर्स ने की, एमजी हेक्टर सेकंड नंबर पर रैंक करती है, 2000 के आसपास में सेल की है, थर्ड पे आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा 156 सेल्स के साथ में, ह्यूंडई आती है 120 सेल्स के साथ में, मारुति 0 सेल्स के साथ में। दोस्तों इन्वेस्टर्स पॉजिटिव क्यों है इस कंपनी को लेकर, इन्वेस्टर्स पॉजिटिव है क्योंकि कंपनी ने यह दावा किया है कि कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। दोस्तों इन्वेस्टर्स इसमें पॉजिटिव क्यों है, पहली वजह है कि कंपनी का यह दावा करना कि कंपनी डेट फ्री होना चाहती है और हो जाएगी, इसी के ऊपर वो काम कर रही है। दूसरी बात कि अर्ली मूव एडवांटेज है और इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त ग्रो करने वाले हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है टाटा ग्रुप का भरोसा और उनका आपस में सपोर्ट। देखा जाए जहां सेमीकंडक्टर और चिप्स की शॉर्टेज की बात चल रही है, वहीं पर टाटा ग्रुप लगातार ऐसी कंपनीज को एक्वायर कर रही है जहां पे चिप शॉर्टेज को पूरा किया जा सके, और हाल फिलहाल में कंपनी तेजस नेटवर्क को कंपनी ने एक्वायर किया था जो चिप शॉर्टेज और सेमीकंडक्टर में काम कर रही है। अगर नितिन गडकरी जी की बात की जाए जो हमारे देश के ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर हैं, तो वो अगर कहते हैं उनकी बात को देखा जाए तो वो कहते हैं कि कुछ सालों के अंदर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट है वो बिल्कुल एट पार आ जाएगी, जैसे डीजल पेट्रोल की कार मिलती है उसी प्राइस में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मिलने लगेंगे, तो जो बड़ा गैप है वो शायद कम हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो 65% का बड़ा मार्केट शेयर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेनिट्रेट कर जाएंगे और वहां पर टाटा मोटर्स एक अर्ली मूव एडवांटेज चलेगा और वहां पर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते। दोस्तों देश के दिग्गज ब्रोकिंग हाउसेज में जैसे एडलवेस ब्रोकर की अगर बात की तो और बहुत सारी ऐसी रेटिंग एजेंसी है जो इस कंपनी को अच्छा रेट कर रही है और इसके टारगेट को 400 रुपीज से बढ़ा के 600 से 650 भी रख रही हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा भी जा सकता है, बट मैं आपको बिल्कुल भी बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं करता हूं। अगर चार्ट को देखने की कोशिश करें तो कंपनी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न फॉर्म कर रही है। कहा जाता है कि एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न अगर ब्रेक हो जाते हैं तो जितनी मूवमेंट एक पोल की आती है उतनी मूवमेंट फर्दर एक ब्रेकआउट पे देखी जाती है, तो इस ब्रेकआउट के हिसाब से अगर देखा है तो कंपनी कहीं ना कहीं 700-750 तक भी जा सकती है। तो टाटा ग्रुप का भरोसा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आने वाला फ्यूचर, ये सब चीजें टाटा मोटर्स को और भी अट्रैक्टिव बनाती है। दोस्तों मेरी प्लानिंग होने वाली है बाय ऑन डिप्स की, मैं बिल्कुल भी आपको बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, आप अपनी एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड लें, और अगर आप चाहते हैं किसी और स्टॉक के ऊपर में अच्छी सी एनालिसिस की जाए आपके लिए तो प्लीज उसको भी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर आप भी सीखना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच क्या होती है, उसका सेटअप क्या होता है, वो कैसे काम करता है, कैसे स्विंग ट्रेडिंग की जाए, कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग की जाए, तो हमारी मास्टर क्लास जो प्योरली बेस्ड है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में, जहां पे हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, साथ में हम सीखने वाले ऑप्शन चेन के सीक्रेट्स, ऑप्शन चेन को कैसे क्लब किया जाए, कैसे उसको देखा जाए एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए, उसके लिए हमारी दिल्ली की मास्टर क्लास ऑन है, उसके बाद बाकी शहरों में चलने वाले हैं, तो अपनी सीट्स को लॉक करा सकते हैं, और अगर आपके आपके शहर में क्लास चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए, आप हमेशा से मुझे कहते थे सर लाइव मार्केट में ये सपोर्ट दीजिए, तो ये सपोर्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है। जिन लोगों को नहीं मालूम है मैं बता दूं कि डेली 9:15 पे सुबह यस मार्केट जैसे ही लाइव होती है हम भी लाइव आ जाते हैं, यूट्यूब के ऊपर में लाइव सेशन चलता है, और शाम के 3:30 तक जब तक मार्केट आपके साथ चलेगी हम भी आपके साथ रहने वाले हैं, छोटे मोटे बायो ब्रेक्स होंगे, फूड ब्रेक्स होंगे, और पूरे दिन एनालिसिस करेंगे, आपके ट्रेड लेंगे, आपके ट्रेड के साथ में बने रहेंगे, आपको हिम्मत देते रहेंगे, देखेंगे कहां फंसे हैं, क्यों फंसे, निकालने की कोशिश करेंगे। तो लाइव मार्केट में लाइव एनालिसिस के लिए आप हमें ज्वाइन कीजिए, दोस्तों भी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। चलिए मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।